हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ क्रीम रोल की रेसिपी और ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रीम रोल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 कप मैदा और ये मैंने एक बड़े उसमें बर्तन में डाल लिया है जिससे हम अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मैं डालूंगी इसमें वनस्पति घी जिसे हम डालडा भी बोलते हैं। इसको मेल्ट करके 2 चम्मच हमें इसमें डालना है और इसे आप हाथों से अच्छे से पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसी तरह से आप फिंगर से अच्छे से मिक्स कर लें। क्रीम रोल के लिए आटा बनाएंगे तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे क्योंकि हमें हार्ड डो चाहिए, जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं उसी तरह का चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइए जिससे कि ये गीला नहीं हो। तो ये आटा रेडी हो चुका है, अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के लिए आटा मैंने छोड़ दिया था, इसको आप एक बार और हाथ से मसल दीजिए जिससे ये चिकना हो जाए अच्छे से। और अब इसका हम एक रोटी बना लेंगे, तो एक बड़ी सी एक रोटी बना लीजिए इसकी। तो ये बड़ी सी एक रोटी बन गई है, अब हम इस पे वनस्पति घी लगाएंगे यानी कि डालडा। और इसको आप मेल्ट, अब इस बार हमें मेल्ट नहीं करना है, जैसे मैंने जो पैटीज बनाई थी उसमें हमने मेल्ट करके उसे फिर अच्छे से फेंट के फिर बनाया था, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लगाएंगे। और ये अच्छे से लगा लीजिए पूरे में वनस्पति घी और ऊपर से हम मैदा डस्ट करके इसे अच्छे से इस पे लगा देंगे। अब इसके फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर भी हम वनस्पति घी लगाएंगे और मैदा लगाएंगे। इसी तरह से फोल्ड करके अब हम इसे फॉइल में पैक करके 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसका हम फिर से एक रोटी बनाएंगे। तो आटा डस्ट करेंगे थोड़ा सा और ये इसका हम रोटी जैसा, एक बड़ी सी रोटी जैसा बेल लेंगे इसको। तो ये प्रोसीजर आपको 4 बार करना है, मैं सिर्फ आपको 2 बार करके दिखाऊंगी। अब ये फिर से मैंने एक रोटी बना ली है, अब इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे वनस्पति घी और इसको अच्छे से फैला लीजिए चारों तरफ, तो कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से लगा लीजिए। तो ये दूसरी बार ये प्रोसीजर मैं कर रही हूँ, तो तीसरी और चौथी बार मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और इसको आप इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर फिर से हम वनस्पति घी लगाएंगे और मैदा डस्ट करके और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरह से फोल्ड कर रही हूँ, तो तीसरी चौथी बार भी आप अलग फोल्ड करके इसको 20 मिनट के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे। तो ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इस प्रोसीजर को मैंने किया है 4 बार, तो आप 4 बार इसे कर लें, 4 से ज़्यादा नहीं करें। और इसमें अब मैदा डस्ट करेंगे, अब फिर से हम इसकी एक चपाती बना लेंगे। तो अब की बार हमें ना ज़्यादा पतली बनानी है चपाती और ना ही ज़्यादा मोटी बनानी है। तो ये मैंने चपाती बेल ली है और इसको हमें अभी ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और इसके हम मैं साइड्स के निकाल दूंगी जिससे ये इसका शेप स्क्वायर हो जाए। और पतली पट्टियाँ अब हमें इसे कट कर लेनी है, तो या तो आप नाइफ से कट कर लीजिए या फिर आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप ये पट्टियाँ कट करेंगे और या ध्यान रखिए कि है ना, ये जो हमने चपाती बेली है ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, तो जिससे ये जो हम क्रीम रोल बनाएंगे तो ये ठीक बनेंगे। और इसको हम इस तरह से इसमें मोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। तो आपके पास अगर इस तरह के मोल्ड नहीं हैं तो ये अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाते हैं और आप इसको अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसमें फोल्ड कर लिया है और एक देखिए एक रोल ये रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें सारे रोल रेडी कर लेने हैं। तो मैं आपको एक और ये क्रीम रोल बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने मोल्ड पे अच्छे से इसको फोल्ड किया है, तो इसको आप लगाते जाइए और घुमाते जाइए और जहाँ पे ये ख़त्म होती है पट्टी वहाँ पर इसको अच्छे से दबा करके फिर दूसरी पट्टी इसमें हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे देखिए रोल मैंने अच्छे से रेडी कर लिए हैं, अब हम इस पर अमूल बटर को लगाएंगे तो जिससे ये इसमें कलर है बहुत अच्छा आ जाएगा और ये अच्छे से बेक भी हो जाएंगे। और इसमें सारे पे मैंने अच्छे से ब्रश से ये जो बटर है वो लगा लिया है। अब मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही प्रीहीट कर लिया था, तो माइक्रोवेव को हम प्रीहीट करेंगे 220 डिग्री पे और उसको हम प्रीहीट करके फिर हम इसे कन्वेक्शन मोड पे 220 डिग्री पे ही बेक करेंगे 35 से 40 मिनट्स के लिए। तो सबके माइक्रोवेव अलग होते हैं, तो आप बीच में एक बार चेक कर लें, जब इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए तो इसका मतलब ये बेक हो चुका है।
तो ये देखिए क्रीम रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। थोड़ा सा कैमरे का थोड़ा सा रहता है तो इससे कलर भी लाइट दिखता है। और ये मैंने सारे मोल्ड निकाल दिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी व्हिप क्रीम। तो मैंने व्हिप क्रीम को पहले से ही व्हिप करके रखा हुआ है। आपके पास व्हिप क्रीम नहीं हो तो अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है उसको आप व्हिप कर सकते हैं और उससे आप इसमें अच्छे से भर लीजिए। तो ये मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। पाइपिंग बैग में डालने से अच्छे से क्रीम अंदर तक चली जाती है। अब इसे हम ऊपर से इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से अच्छे से बंद कर लेंगे और क्रीम रोल लेंगे। अब उसमें मैं इसको अच्छे से डाल लूँगी क्रीम को। तो ऐसे आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा भर लिया है इसमें। तो ये देखिए सारे क्रीम रोल में मैंने अच्छे से क्रीम डाल ली है। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट भी लगा सकते हैं। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी। थैंक यू।